एमबीबीएस हो या कोई डीएमएस हो या कोई ईएच का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप डॉक्टर हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप मरीज को कैसे ठीक करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन। आपके पास जो पद्धति है वो दुनिया की सबसे अच्छी पद्धति है। एक बात मैं जरूर कहूंगी, जिसकी भगवान जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है ना, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो डॉक्टर बनता है। और जिसकी कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह अच्छे नजर से किसी को देख रहे हो, वो फिर इलेक्ट्रोमोपैथी में आता है। तो आपको इस चीज को जरूर याद रखिएगा। क्यों? खासकर मैं आज जो नए जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रो को अभी अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि कई बार हमें को भी ये बोला जाता था कि आप एलोपैथिक से सीख लो, आप जब इतना अच्छा पढ़े हो, आपने एमडी की है कलकत्ता से, तो आप क्यों नहीं साथ में एलोपैथिक का कुछ और भी रख लेते हो, कुछ भी, तो कम से कम आप मल्टीविटामिन रख लो, जो और चीजें इंजेक्शन लगाने लगो। लेकिन मैंने बोला नहीं, जब मेरे पास मेरी पद्धति अच्छी है, जो चीजें एलोपैथिक में केमिकल है, और कई बार हम सब जानते हैं सर इस बात से सहमत होंगे कि एलोपैथिक में केमिकल जो होती है, कई बार जो लोग होते हैं उस केमिकल को पचा नहीं पाते, तो उससे बेहतर है ना हमारी पद्धति, क्योंकि सब ऐसी चीजें जो हम घर में खुद खाते हैं, है ना, यह हमारे पेट के लिए बहुत आसान है पचाना, तो इसीलिए वो ही यूज करें। एक बात और मैं बोलूंगी कि जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस चीज को याद रखिए कि जो हमारे डॉक्टर मैटी हैं, जो डॉक्टर मैटी रहे हैं, उन्होंने क्यों इलेक्ट्रोमोपैथी को बनाया था, इसीलिए बनाया था ताकि हर किसी का कल्याण हो सके, हर कोई स्वस्थ रह सके। और अल्टरनेटिव मेडिसिन तो हम जानते हैं कि WHO ने निकाली थी, और वो क्यों निकाली थी, ताकि जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचे। तो अगर हम उस पद्धति में हैं, तो क्यों ना हम अपने डॉक्टर मैटी की बात को लेके ही लोगों का इलाज करें, ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा तो आएगा, इतना आएगा हम सब जानते हैं। अभी आप जिससे बात कर लो वो सिर्फ पैसे का बात करते हैं। आप लोगों को छाप के हैरानी होगी, अभी मैं एक चौथी या पांचवी क्लास में स्कूलों में सेमिनार लेती हूँ, तो वहाँ एक बच्चा आया और वो पूछता है मुझसे, दीदी आप डॉक्टर हो? मैंने बोला हाँ मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो पैसे तो बहुत कमाते होंगे। आज एक व्यू बन गया है कि अगर हम डॉक्टर हैं तो पैसे कमाने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पैसे तो इतने आएंगे, आप सेवा धर्म को तो रखिए आपका। और एक चीज और, जो नए लोग हैं उनसे मेरी ये इस बात को बड़े ध्यान से अपने अंदर उतारिएगा। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब आप इस पद्धति को कर रहे हैं ना, तो या ऐसा बोलूं कि मैंने कैसे 3,000 लोगों को ठीक किया, या कैसे मेरे पास इतने लोग आते हैं, तो उसका कारण एक ये है कि जो पद्धति मैंने सीखी है, जो इलेक्ट्रॉन में पढ़ी हूँ, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, और उसके साथ मुझे खुद पे भरोसा है। अगर मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो, मुझे अपनी पद्धति पे भरोसा नहीं हो, मुझे ये लगता है मैं कहाँ आ गया, तो फिर आपका कभी हो ही नहीं सकता, फिर आप कभी किसी को ठीक ही नहीं कर सकते। और इसके साथ जो मरीज है वो आप पे तभी भरोसा करेंगे जब आपको खुद पे और अपनी पद्धति पे भरोसा होगा। अभी अगर मैं इसी चीज को और डॉक्टरों ने कहा था, क्योंकि आप 60 साल की हो और आपका वजन भी कम है, तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते, वरना ऑपरेट करके उसे निकाल दिया जाता। तो उनको मैंने इलेक्ट्रो की दवाई दी और करीबन 3 महीने के अंदर वो यूट्रस पूरा अंदर चला गया। ये चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे ही बवासीर के ना बोलते बोलते कम से कम मैंने 500 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया है बवासीर के, और इसी वजह से मेरे पास आसपास के करीबन 10 गांव के मरीज आते हैं। और इससे ज्यादा हैरानी की बात वो ये है कि जो सिकलिंग होता है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, पॉलीसाइथेमिया, इन सब का इलाज हमारे इलेक्ट्रो में है, और इसमें से सिकलिंग का इलाज मैं कर चुकी हूँ और लोगों को बहुत आराम होता है और जड़ से ठीक भी हुआ है। चाहे तो मैं इसका पूरा आपको व्हाट्सएप में, जैसे हमारे ग्रुप में है, इसका मैं बिल्कुल आपको भेज सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा कमाल की पद्धति है। मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग इस पद्धति को अपनी पद्धति को करें। और मैं अंत में आप लोगों के लिए भगवान से यही दुआ करूंगी, मेडिसिन से यही दुआ करूंगी कि वह आप लोगों की प्रैक्टिस को 4 चांद लगा दे और आप लोगों को स्वस्थ रखे और आपके मरीजों को स्वस्थ रखे। धन्यवाद।